रोटरी क्लब पटना सिटी द्वारा यहाँ पे कैंप लगाया गया है, क्या क्या चेकअप हुआ, कितने बच्चों का कितने लोगों का? रोटरी क्लब पटना सिटी ने एक डेंटल कैंप लगाया है ओरल हाइजीन के लिए, ताकि बच्चों को यह जानकारी हो सके कि ओरल हाइजीन क्या होती है। अमूमन जो है बच्चे जो हैं चॉकलेट खाते हैं और मिठाइयों पर जो दवा अपना ज़्यादा उनका दबाव रहता है कि पापा मिठाई लेके आइए, चॉकलेट लेके आइए, इसके कारण उनकी दांत जो है सड़ जाती है और ये परेशानी जो है बाद में इसका भुगतान करना पड़ता है। इसी क्रम में आज डॉक्टर गीतिका पारुल जो हमारे रोटेरियन संतोष जी की सुपुत्री भी है, उन्होंने आज एक कैंप करने का प्रयास किया और इस कैंप में सबसे बड़ी बात है कि पीसीटी नेशनल स्कूल के जो संचालक हैं डॉक्टर शमीम सर और हमारे मित्र हैं नसीम सर, उन्होंने अपनी सहमति जताई कि यहाँ पर एक कैंप किया जाए, यहाँ के लोगों को, यहाँ के बच्चों को, पेरेंट्स को जागरूक किया जाए ताकि ओरल हाइजीन के बारे में ज़्यादातर जान सके। हमारी डॉक्टर साहिबा ने यह भी बताया है कि सुबह में ब्रश करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रात में सोने के पहले ब्रश करना, यदि ऐसी आदत लग जाती है तो दांत आपके लंबे समय तक जो है स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि दांत के सड़ने का जो मेन कार्य होता है वो सोने के क्रम में होता है। आप खाना खाते हैं और दांत में खाना फंस जाता है और उसी कारण दांत सड़ जाती है। इन सारी चीज़ों की जानकारी हमारी डॉक्टर साहिबा ने दिया। मैं रोटेरियन चेयरमैन हूँ बिहार झारखंड का रोटरी इंटरनेशनल से और रोटरी क्लब पटना सिटी का पास्ट प्रेसिडेंट। क्या यहाँ पे कार्यक्रम था? ये आज डेंटल चेकअप का प्रोग्राम चल रहा था रोटरी क्लब द्वारा और डॉक्टर साहिबा ने अच्छा बच्चों का चेकअप किया, बच्चों को अच्छी डेंटल चेकअप। कितने बच्चों को? लगभग आज 96 बच्चों को देखा गया और भी उसके साथ दवा वगैरह कुछ भी किया गया। हाँ, कुछ बच्चों को गिफ्ट दिया गया, टूथपेस्ट फ्री दिया गया जी। हाँ, पूरी व्यवस्था फ्री थी और सभी बच्चों को करीब करीब टूथपेस्ट मिला। मेरा नाम शमीम अहमद है। जी सर, कितने बच्चों को दिया गया, क्या परामर्श उन लोगों को दिया गया? 96 बच्चों को दिया गया टोटल और सभी को ये सुझाव दिया गया कि दिन में दो बार ब्रश करना है, रात में सोने से पहले भी और सुबह उठने के बाद भी। हमने आया सभी बच्चों का, उन्होंने चेकअप किया और एडवाइस यही दिया गया दिन में दो बार ब्रश करनी है, बाकी सभी बच्चों को एक टूथपेस्ट साथ में दिया गया। इसमें सावधान कैसे रहे तो ब्रश करने ही से दांत नहीं, उन्होंने बोला कि कुछ भाई मीठा से परहेज करना है, ज़्यादा मीठा नहीं खाना है, ख़ास करके रात में सोने वक्त तो बिल्कुल ही नहीं लेना है, उन्होंने ये बताया जी। मिठाई से ज़्यादा दांत? बिल्कुल बिल्कुल। इसका एज भी इफेक्ट है कुछ की, किसी एज भी? छोटी उम्र में तो उन्होंने ज़्यादा बोला प्रिकॉशन लेने की आवश्यकता है छोटे बच्चों को खास करके जी। सिम्टम कैसे पता चलेगा कि दांत खराब होने वाला है, हो रहा है या कुछ इस तरह? दांत में सर दर्द हो सकता है, पेन हो सकता है या किसी को मसूरे से खून भी आ सकता है, ये सिम्टम है जिसे मालूम चलेगा दांत आगे प्रॉब्लम देने वाला है।